Hello children, welcome back to my channel Knowledge at your doorstep. So today I am going to teach a poem for class 3rd. The name of the poem is Bird's Talk. I will explain this poem in Hindi so might you can understand it well. So let's begin the poem Bird's Talk. Do you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay have to say. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्ड ऐसा सोचती होंगी कि हम लोग पीपल मतलब हम लोग काफ़ी फनी हैं. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से. चलिए सुनते हैं कि रॉबिन और जे, ये दोनों ही बर्ड्स के नेम हैं, अ टाइप ऑफ बर्ड है रॉबिन एंड जे, क्या कहना चाहती हैं इस बारे में, यानी कि हम लोगों के बारे में. उनको क्या लगता है हमको देख कर, यानी कि ह्यूमन्स को देख कर. लेट्स बिगिन. बर्ड्स टॉक, यानी कि चिड़िया लोग, जो बर्ड्स होती चिड़िया हैं उनकी बातें, क्यों क्या बातें करती हैं. Thing said the robin, thing said the jay, sitting in the garden, talking one day. एक बार रॉबिन ने और जे, दो बर्ड्स थी. थिंग सेट द रॉबिन मतलब रॉबिन बोली सोचो और जे भी बोली सोचो. एक गार्डन में बैठ के एक दिन दोनों आपस में बातें करती हैं और बोलती हैं कि रॉबिन जरा सोचो तो, जे जरा सोचो तो. गार्डन में, सिटिंग इन द गार्डन मतलब एक बार गार्डन में बैठ के, टॉकिंग वन डे आपस में बात करते हुए एक दिन. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एंड एट ऑल यू नो. फिर वो दोनों आपस में बोलती हैं कि जरा लोगों के बारे में सोचो. थिंक अबाउट द पीपल यानी कि लोगों के बारे में सोचो. द वे दे ग्रो वो किस तरह से बढ़ते हैं सोचो, उनकी जो वो कैसे किस तरह से वो बड़े होते हैं ये सोचो. दे डोंट हैव फेदर्स उनके पास ना तो पंख होता है. दे डोंट हैव फैदर्स एट ऑल यानी कि उनके पास तो कोई पंख, बिल्कुल पंख, कोई पंख नहीं होता. यू नो, तुम्हें तो पता ही है. दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग्स ऑन द वायर एंड थिंग्स ना. फिर वो आकर आपस में बातें करते हुए आगे जे और रॉबिन बोलते हैं कि दे डोंट ईट बीटल्स, दे मतलब ह्यूमन पीपल, ना तो ये लोग बीटल्स खाते हैं यानी कि कीड़े मकौड़े नहीं खाते. दे डोंट ग्रो विंग्स और ना ही उनके पंख निकलते हैं. They don't like sitting on the wire and string. और ना ही लोगों को बैठना पसंद होता है तारों में या ऐसी कोई पतली चीज़ों में. आपने देखा होगा बच्चों, जो बर्ड्स होती हैं वो किसी भी वायर में, पतली पतली कोई भी, जो कहीं भी बैठ जाती हैं ईजिली, पतली प्लेस में ईजिली बैठ जाती हैं, या वायर्स में, स्ट्रिंग्स में. बट हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते. तो वही वो चिड़िया यहाँ पर बोल रही हैं, दे डोंट ईट बीटल, दे डोंट ग्रो विंग्स, ना तो वो छोटे छोटे कीड़े मकौड़े खाते हैं, ना वो उनके विंग्स निकलते हैं, ना उनके पंख निकलते हैं. वो उनको, दे डोंट लाइक सिटिंग यानी कि उनको बैठना ही पसंद नहीं होता. और वायर और थिंग्स, और वायर यानी कि तार और ऐसी कोई चीज़ों में उनको बैठना ही पसंद नहीं होता. थिंग्स एट द रॉबिन, थिंग्स एट द जे, आर एंड पीपल फनी टू बी दैट वे. फिर रॉबिन बोलती है सोचो और जे भी बोलती है सोचो कि पीपल क्या फ़नी यानी कि यू नो फनी नहीं होते, उनको देख के क्या हमको हंसी नहीं आती. आर एंड पीपल हर फनी टू बी डैट वे मतलब क्या ये जो ये लोग हैं वो बहुत ही फ़नी हैं, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो होते हैं वो बहुत फ़नी है. ऐसा ये दोनों बर्ड्स आपस में बात कर रही हैं. पोएम लिखी गई है एलिन फिशर के द्वारा. एंड न्यू बर्ड्स वर्ड्स हैं इसके, बीटल्स, बीटल मीन्स वो कीड़े मकौड़े, सिटिंग्स मतलब बैठना, सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब तार, और फ़नी मतलब मजाकिया. ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको मेरा ये पोएम का एक्सप्लेनेशन. अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन सो माइट यू कैन गेट माय न्यू वीडियोस. सो टेक केयर एंड टिल देन.